हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हो? मैं मेरा जी बोल रही हूँ। मेरा साहब कौन बोल रहे हो? मैं अरशद बीसर बोल रहा हूँ जी। अरशद बीसर का सरकार के टीचर हो जी। अब बताओ जी क्या बात है। रोड पे एक मानस मरण क्या तारीख लो नसर नाम को। हाँ जी, हाँ जी भाई, मर्डर न्यूज थोड़ी हो जाओ, कोई घर बैठे हो जावे है कहीं की सच्चाई भी जाना करो। नहीं सच्चाई लो बता तो कहा सच्चाई, हमारे सामने तो यही सच्चाई भाई, वो मर्डर हुए हो, हमने हमारा खबर लगाई। ऐसा ना भाई, हम तो ही नहीं ना, हम मैं तो दिल्ली में ही। अच्छा हाँ, मेरी मम्मी भी दिल्ली में ही। अच्छा मेरे भाई ऐसा गाड़ी पे है 3-4 महीना, सर आम दुनिया पतो है, जिनके साथ है जब पतो है। अच्छा तो मेरे बाप वाली दादू दोस्त में उत्तराखंड में खुश परी राजस्थान में। हाँ वो भी वह टाइम दिल्ली ही आगे जिस वापस पड़ी ही। अच्छा ट्रेन हम पे सबन से मुकदमा रही हो। फिर ये बताओ, आप तो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रहे हो कि मेरा भाई भी नहीं था, मेरी बहन भी नहीं थी, फिर मर्डर किसने किया? वो तो आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके परिवार का। ना जी भाई, जब हम है ही ना, हम मर्डर कैसे कर देंगे? हमारी पुलिस जांच करे, फोटो सिटेट निकलवा, फोटो निकलवा वहाँ से कैमरा तू। नहीं आप चलो मैं मान तो आप लड़की आपने नहीं किया होगा, तो वो तो लड़के थे ना, वो तो बता रहे काफी सारे गैंग बना के आए थे, उन्होंने गोली दी थी, वो बेचारा अखबार पढ़ रहा था तब गोली दी उसने। ये बकवास करा भाई, ये इतने आदमी खुद चढ़कावा, जैसे खुदा ऐसे मेरा अकेलो भाई हो, मेरे छोटे छोटे बहन भाई है जो घरे बसा रखा, पिछले महीने 2 तारीख की भगा जाए जब हमारे झगड़ो हुए हो। अच्छा हाँ, तो उसके बाद मेरे भाई 3-4 बार हम लोग करो, ये मेरे भाई भगवत चानन के गाँव में। अच्छा हाँ, तो अकेलो ही उस आदिल राम को जो वाके साथ कोई ना हो, ये कह रहा डीएसपी शमशेर सिंह कर सादिल और एहसान आया, एहसान है ही ना, 3 महीना हो गया गाड़ी पे। तो सादिल ने मतलब क्या था? ना भाई हमने ना पता, सादिल ने करो कैसे करो, जितने भी करो प्लीज जांच करे वालू सजा दे, हमने कोई ऐतराज ना, चाहे सादिल ने करो चाहे मैं करो चाहे करो। तो ये बता, आपका भी तो कोई चाचा था, वो लगता होगा आपको एहसास नहीं कि बुजुर्ग आदमी को गोली से मतलब इस तरह मार देना? भाई एहसास का इस चीज को, ये ना हम इतना बुरा बुरा मार रहा था, 5-6 साल से पीट रहा है हमने लगातार, पूरी पुलिस प्रशासन पटोल लेके एसपी नुहू से लेके और हवलदार तक पटोल। अच्छा पूरा एसपी ने कही ही, ये हम सदर थाना में भी डीएसपी से जो पहले डीएसपी हो शमशेर सिंह को, अगेन बचका में घर पे बताओ, अगर कोई भी परेशानी आ 2 पुलिस वाला बिठाओ, इनका कसूर करो है 2017 से ही। इन बच्चा का कसूर 6-7 महीने भाई, जो ये दर दर होकर भटक रहा है, इतनी वारदात करिए भाई बहुत ज्यादा। अच्छा, पूरा रिकॉर्ड है वो मेरे पे, पूरा कागज है। अच्छा अब आप कहाँ पर हो जैसे फिलहाल? मैं अपने साथ रहा हूँ राजस्थान खुश करी। अच्छा वहाँ पर हो आप जी, तब आप क्या चाहते हो? उनके घर में तो मातम छाया है उनका, तो भाई एक जवान बेटा चला गया उनके पिताजी की मौत होगी। भाई जी एक भाई एक बात बताओ, जब बार बार आदमी वार करे है, मान ले ये ना हम बनाई ना है, हम तो निर्देवाद लिखवाया है, हम तो कोई घर पे ना, ये ने एक नार पर को लड़का मारो, एक एडवाड़ी को मारो, एक एतवाड़ी को मारो, एक राइपर को मारो है, एक यहाँ पे जो सर्विस स्टेशन के पास में एक हैदर है, हैदर नाम को, वो ये ने मारो है कि एक आदमी से दुश्मन थोड़ी, हजारों आदमी से दुश्मन आई है। अच्छा कोई भी मार जाएगा तो हमारा ही नाम आएगा, इंसाफ भी तो होना चाहिए कई चीज। उधर वो बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी जो लाश है उनको उखाड़ के रोड पर रखेंगे क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इधर तुम इंसाफ मांग रहे हो, मर्डर उनका हो भाई, वैन लो तक वैन को खूब इंसाफ मिले, पड़ो हजारों आदमी से दुश्मन नहीं है, पुलिस लापरवाही हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, पुलिस ऐसा मामलों कोई भी संगीन मामला जब पुलिस लापरवाही मत बरते, मरने वाले मत देखे, मार देखे कि बस मार मरे जब भी मांस मरे, कोई अपने धैर्य बर्बाद करने में, कोई छोटा छोटा बच्चा मेरे मासूम, हम 9 भाई दो उनकी शादी हुई है, पूरा मेरा मासूम बच्चा जिनकी कोई पढ़ाई है नहीं, फिर पूरा सबूत है मेरे पाँव में, मेरा हाथ टूटा पड़ा है, बोलो भी दिन साफ मिला है जिनकी मैं मारी हूँ भाई, मर्डर तो मुझसे पीछे हुई है, मैं आप ससुराल में बता रही है, अगर हम आए तो क्या आप हमें वहाँ बयान दे सकते हो जहाँ पे आप रह रही हो? जी भाई बिल्कुल बयान दूंगी आपको, आपको 10 आदमी से बयान दिलाऊ आपको, अचानक किस बयान दिलवा पल्लू, और हमारे साथ कितना अन्याय हुआ आपको नहा पर बयान दिलाऊ मैं पल्लू। अच्छा चलो ठीक है, सारी बात आपने बताई, आप ये बताओ आप हमसे क्या चाहती हो, मीडिया से क्या चाहती हो? हमने तो मीडिया से चाहूँ कि आप नाजायज मत करो, जायज देखो, जायज और नाजायज को आप इतिहास करो, जो कभी भी ऐसे संगीन मामला में किसी दोषी ना दोषी को फैसला कराओ।
ठीक है, आप ये बताओ बहन दिलाए भाई, आप वहाँ जाके वीडियो लगा क्या कबर कबर जहाँ मर्डर हो चुको, मान लो साध को मर्डर हो गया 2017 में, 2017 में मेरे पापा ने वहाँ पुलिस बुलाई, अब झगड़ो ना करे है ये इनका लड़का जुआन है, ये अपनी गैंग में अब भी सब सेट वाला बस थोड़ा बड़ा इल्जाम पुलिस पे, हम पुलिस से मिले हुए हैं, हम तो पुलिस सेटिंग करेगी, ऐसा तो संतोष कुमार का लिहान लगा रही हूँ सत्य सेट हो आखिर लोग, हम तो यहाँ यहाँ मारे रहे ना, ये बाहर रुपये कमावे बैंगलोर और बम्बई रहे हमारे दोनों रॉबिन और आखिर। अच्छा। मैं भी मौत के मुंह में जड्डू उतार दिए, मेरे सिर में चोट देखा, हाथ पांव तोड़ रखा। आपको हम कहीं गलत लग रहे हैं क्या? हमने न्यूज ही तो लगाई है, पत्रकार का काम न्यूज लगाने का है, तो वहाँ पर मर्डर हुआ तो वहाँ हम जाएंगे ना? ना भाई बिल्कुल जाओ, हमने ना कहा हमारे पे भी आओ। कुछ दिन पहले आपकी एक गाय मरी थी बिजली से, आप भट्टे भाई, हम वहाँ पे गए तो हमने भट्टे वालों से आपको 25,000 रुपए दिलाए थे ना? हाँ दिलाया भाई बिल्कुल, हम गरीब, हमने बढ़िया से यही चीज कही के रखता हूँ, हम लोग गवाह दे दे, हमने लड़ाई ना करनी। मैं ये बोल कर आया था भाई, ये गरीब है इनको पैसे दे दे, इनकी गाय मरी है जी भाई, ऐसे ही। तो अब आप ये बताओ, आपको हम कहीं गलत लग रहे हैं ये बताओ पहले आप? ना भाई गलत ना हो आप, तो आप सच्चाई दिखाओ, आप सच्चाई दिखाओ भाई, सच्चाई तो दिखा रहे हैं, मर्डर हुआ उसको वही तो दिखाया हमने भाई, मर्डर हुआ है मान रही हूँ मैं, मैंने आपसे ये चीज बोल दी, जिसने मर्डर करा कैदी से कैदी सजा मिले उसे। अच्छा, हमें भी इंसाफ मिले, उन्हें भी इंसाफ मिले। लेकिन पीड़ित परिवार तो कह रहा है कि नसरू का मर्डर इन्होंने ही किया, तुम्हारी कह रहा हो तो वह तो कह रहा है नवाब भर ने करा है भाई, हमारे नवाब भर का कोई रिलेशन ही ना है, तो ये फिर नवाब भर ने करा थे, हम भी लिखवा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे से कितने लोगों का नाम है इस मर्डर में? 5 आदमी का जी। और नवाब कौन है? ये नवाब पापा के साथ एक लड़का, ये इनके साथ रह रहे हैं ये सब। अच्छा, इनके साथ रहते हैं। हाँ। अच्छा, कुल मिले जाने भी नसरू का मर्डर कहा था जब मिले, जब मैं हुई तो कोई हुआ, पुलिस हम पूरी इंक्वायरी करे, सीबीआई जांच बैठे। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो जाती है। अब आपसे मैं एक पारिवारिक बात पूछ रहा हूँ, आपको क्या, आप गहराई से आपने गिरेवान में झांक के देखो, अगर इसकी जगह तेरे पिताजी का या तेरे भाई का मर्डर हो जाता तो फिर तुझे अच्छा लगता कि बुरा लगता? ये भाई बुरा लगता, हमने किसी को बुरा नहीं, आपको ये एहसास है कि नहीं राजीद, आपको ये एहसास है? एहसास है, एक ही परिवार एहसास है, वो भी अपने भाई जो पहले मरो हो, यू भी अपने चाचा जो अब मरो है, कहीं दूसरा को ना है, लेकिन ये एहसास ना है, ये डर लगे हमारा अलियान लगा वहाँ दिल्ली का डायरेक्ट छिप है, तब भी अलिहान लगा वहाँ, वहाँ के बाद मैंने पूरी तरह मारी में भाई ने। सुनो, आपके पिताजी ने 2009 में MLA का चुनाव लड़ा था, विधायक का चुनाव लड़ा था, ठीक है जी, लड़ा था भाई, लड़ा था ना, चाहे उसकी वोट चाहे आई या नहीं है, लेकिन उसने चुनाव लड़ा था MLA का जी। कहाँ तेरे पिताजी का सपना था MLA बनने का जी। उसके बाद में अब हालात ये है कि तुमने उसी घर के अंदर 2 मर्डर हो गए और तुम्हारे पिताजी और पूरे भाई वगैरह सब जेल में हैं, उनके 2 आदमी मर चुके हैं, दोनों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तो ये एहसास नहीं है क्या आपको भाई? ये एहसास की ना है? हाँ। बात करो भाई आप, एहसास है ये ना, एहसास ना है की एजेंसी जो TVS यहाँ भी बिरादरी जुड़ी बहुत बड़ी। हाँ। ये ना मानी नू गए जमीन की पूरे बात कही जी भाई, ऐसा हसन जो कुछ हो वो ठीक है, मान रहे बेटा मरो हमारे दुख है भाई, तुम वहाँ मारा लुआया 10-20 आदमी, तुमने कई कई बार पीट लियो, गुनाह हो वन पे हो या तुम पे हो गए, या परिवार संभाल लियो, चांदन की आदमी इनकी बात है, मुबीन सरपंच है, फौजी अयूब सरपंच है, हाजी लंबरदार है, मौलवी अख्तर है, रजाक है, और जो तो रुस्तम है दिल्ली पुलिस में रिटायर है। बहन ये कहानी बड़ी असमंजस है कि किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी का पिता मर जाए, तो उनका बड़ा मतलब कैसे उन लोगों को सबर आएगा, और फिर दूसरी बात है कि आप भी उन्हीं के परिवार में से हो, दोनों ही परिवार बर्बाद हुए हैं भाई। आप ये बताओ जब एक बेटी चांदन की रोड से उठाई जा और ज्वार बाजना में का कता हुआ वहाँ मर रहा है कि जंगल में, फिर कहे कि यो हमने इसलिए लाया कि कार्रवाई ना करे, वो कहते हैं ना छोड़ा जाओ, वह पुलिस बरामद करके लेकर आवे, पुलिस आपको मेडिकल करावे, और फिर कहे कि हम झूठा धर खा रहे, हम तो अपहरण को केस लगवा रहे झूठा, और यू अपने बाप और भाई छुड़ाना चाह रही है भाई। इतनी बार मैंने न्यूज भी लगवा रखी, पहले मेरे पे पूरा कागज है, पूरी पुलिस दवा कर दूंगी, रोड पे बैठ जाऊँ सारा बस्तान, मैं भी मर जाऊंगी, हम जीवन दुश्वार कर रहा हूँ, 5 साल तुम्हारा पूरी दुनिया बोझो, पूरी जनता आपको मौका देंगे, मीडिया के लिए पक्ष विपक्ष दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, गुनाह तुमने किया या जिसने भी किया उसको सजा पुलिस देगी, प्रशासन देगी, अदालत देगी, हम मीडिया से हमारा काम है पक्ष विपक्ष दिखाना, हमने पहले जिनका मर्डर हुआ वो दिखाया, उनका दर्द हमने लोगों के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा,
सेकंड टाइम है आपकी कॉल मेरे पास है, आपने यूट्यूब से नंबर लिया, जहाँ से भी लिया होगा आपको पता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके भी हम बयान लें, यही चाहते हो ना जी भाई? तो लेकिन मेरा बयान लियो, मेरा पूर्व, मैं ससुराल में हूँ जी, खुशपरी राजस्थान। ये झूठ बोलते हैं आप, तुम्हारे ऊपर मर्डर का आरोप है, हम ससुराल आएंगे तो वहाँ नहीं मिलोगे हमें ना, वहाँ के ना रहेंगे वही है। अब जहाँ पे आप पहले रहती थी, जहाँ आपकी गाय बिजली से मरी थी एक बार, भट्टे के पास नहर पे आपका घर है, वो मैं तो गया नहीं था जी। वन सलाम, तो वहाँ अब वो घर आपने छोड़ दिया, वहाँ पे नहीं है कोई भी ना? कोई ना वहाँ पे, बच्चा भाग गया, मैं तो दिल्ली में ही। अच्छा, मैं तो 4 तारीख लो जब ये मामला सुना मैंने, मैं तो दिल्ली एडमिट ही सफदरजन हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास पूरा कागज है भाई, ऐसा ना है। चलो ये तो आप मानती हो ना, अगर किसी का मर्डर हुआ है, वो भी ऐसा मर्डर कि बीच चौराहे पे गोली मारकर किसी की हत्या कर दी जाए, तो कोई पत्रकार तो वहाँ जाएगा तो सही ना? ना जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, जाने का अधिकार है। कल को वही मर्डर अगर तेरे घर में हो जाए तो हम तो तेरी आवाज भी उठाएंगे जी, उठानी चाहिए भाई। तो आप हमें गलत कैसे साबित कर रही हो? ना जी मैं ना कर भाई, आप मैंने तो कही ना आप गलत हो, आप कह रहे ना आप सच्चाई ना दिखा रहे। तो आप सच्चाई, मैंने आप सच्चाई बताई, आप मेरी भी न्यूज लगाओ, मैं भी तो सच्चाई दिखाऊंगी, तो नहीं दोस्तों। सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।